जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए चरखी दादरी जिला मुख्यालय पर जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे हरियाणा सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक के द्वारा 16 मामलों को सुना गया और उनके समाधान करने की कोशिश की गई, जिनमें से कुछ मामलों की सुनवाई कर मौके पर ही अधिकारियों को समस्या के समाधान के आदेश दिए गए तो वही कुछ मामलों में जाँच कमेटी बनाकर जाँच करने के आदेश मंत्री अनूप धानक के द्वारा दिए गए, जिन पर अगली बैठक में जाँच के बाद दोबारा से सुनवाई कर समाधान निकाला जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से जनस्वास्थ्य, खेल, बैंक, राजस्व, पुलिस, नगर परिषद व बिजली विभाग से संबंधित मामलों को रखा गया। कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान, हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन एवं पूर्व विधायक राजदीप फोगाट, उपायुक्त प्रीति व पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत भी श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक के साथ मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए मंत्री अनूप धानक के द्वारा कहा गया कि बैठक में आमजन की समस्याओं को सुना गया है और उनको उचित समाधान देने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार चरखी दादरी की सीवर व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था से संबंधित समस्याओं के समाधान के सवाल पर उनके द्वारा कहा गया कि सरकार और प्रशासन कार्य कर रहे हैं और जल्द ही सभी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। सड़कों की बदहाल व्यवस्था पर पूछे गए सवाल पर उनके द्वारा कहा गया कि जल्द ही टेंडर हो जाएंगे और सड़कों को दोबारा से बनाया जाएगा। आज हमारे कष्ट निवारण समिति की जो बैठक थी उसमें 16 परिवाद लगे हुए थे और 16 में से 11 डिस्पोज ऑफ हो गए हैं और 5 पेंडिंग रखे हैं। 5 में 2 में हमने कमेटी बनाई है, एक कमेटी ODI साहब की अध्यक्षता में बनाई है, एक CTM मैडम की अध्यक्षता में बनाई है और एक हमने अकाउंट अफसर जो हमारे जो DC ऑफिस का होता है उसको जांच के लिए बोला गया है और बाकी जो परिवाद हैं वो पेंडिंग रखे हैं। और भी काफ़ी कुछ शिकायतें थी शुगर मिसेज कमेटी से, जो बाहर की शिकायतें थी उनमें भी हमने DC मैडम को दे दिए, DC मैडम ने भी आगे आदेश कर दिए, मारक कर दिए हैं, उनका भी निपटारा जल्दी। जनस्वास्थ्य विभाग को लेकर के आपने पिछली बार भी सख्त रवैया अपनाया था, कहा था कि अगली बार अगर काम नहीं हुए तो सख्त एक्शन लिए जाएंगे, लेकिन अब की बार फिर से टाइम दिया। कुछ रिजल्ट आया है, कुछ थोड़ा बहुत और पेंडिंग है। उसको पब्लिक हेल्थ का जो काम था उसमें हमने 15 दिन का जो हमने उसको गया है 15 दिन के वो काम अंदर काम निपटा के और वो DC मैडम को कंप्लायंस रिपोर्ट देंगे। अगर 15 दिन के बाद भी अगर कोई मामला नहीं निपटा तो फिर उसके खिलाफ विभाग में कार्रवाई करेंगे। सुपर सकर मशीन की भी लगातार डिमांड उठती रहती है लेकिन उसके ऊपर कभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, केवल आश्वासन मिलेगी भेजी जाएगी। कोई इस प्रकार की मैंने पहली बार गया, पिछली बार मेरे पास ऐसे नोटिस में कोई मामला नहीं आया था, आया है तो कोई लिखित में आएगा, DC मैडम को भेज देंगे लिखित में उसको। आपसे पहले JP दलाल जी यहाँ पर आते थे उस टाइम पर भी ये मामला था उनके द्वारा भी मैंने पहले मीटिंग ली थी, पहली बार मीटिंग ली थी उस टाइम कोई ऐसा मामला नहीं आया था, आज आया, कोई DC मैडम के पास लिखित में दे जाए उसके पास करें कार्रवाई। नया जिला है और काफ़ी सारी डिमांड रहती है यहाँ पे कि कुछ नया डेवलप हो जाए, तो उसके लिए सरकार क्या कुछ यहाँ पर नया बजट दे पा रही है? निश्चित रूप से बजट सेशन में हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो सरकार में पूरे प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं, वहीं दादरी के जो हमारे विधायक हैं सोमवीर सांगवान जी, उन्होंने भी जो अपनी डिमांड रखी थी उन डिमांडों पर भी अमल करके बजट प्रोवाइड करवाया गया है और अप्रैल मई के महीने में नए काम शुरू हो जाए। सड़कों की बुरी हालत है सर, चाहे तो दादरी से कहीं पर भी बाहर निकल जाए दो दो हाथ गहरे गड्ढे हो चुके हैं। टेंडर तो सभी जो विधायक जी की तरफ से 25-25 करोड़ रुपए के हर विधानसभा क्षेत्र के काम मंगाए थे तो 27.5 करोड़ का दादरी विधानसभा क्षेत्र का जो है टेंडर हो चुका है और जल्दी काम शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत